ये तो चले चल पे आपका फिर नमस्कार आदाब। तो भाई साहब आज एक बहुत मतलब अलग ही लेवल की वॉर होने वाली है। आज सुपर सेल की एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रही है ओनली क्रिएटर्स के लिए। सारे क्रिएटर्स खेल सकते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर, जहां पे हर क्रिएटर की टीम में रहेंगे 20 प्लेयर्स और ये होगी एक ट्रोजन वॉर। लास्ट के एक मिनट में सभी लोगों को अटैक करना है। मतलब सुपर सेल इंडिया ने क्या किया, दो भाइयों को पहली मैच में भिड़ा दिया। मेरी वॉर लगा दी एजाज भाई के साथ, मतलब एजाज भाई के 20 प्लेयर्स मेरे 20 प्लेयर्स। हालांकि देखा जाए तो दोनों हमारी टीम है, मतलब फर्स्ट विन हम लोगों को डिफॉल्ट भी नहीं मिले, चाहे कोई भी जीते, मैं जीतूं या फिर एजाज भाई जीते। मैंने यहाँ पे हमारे क्वीन वॉकर्स के कुछ मित्र परिवार को बुलाया है, हमारे इंडियन क्लैशेस के मित्र परिवार को, और जुआन नोवा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे नोवा स्पोर्ट्स, उनके प्लेयर्स है, और मिडल ईस्ट के दो तीन प्लेयर्स है, और बाकी अपने इंडिया के हमारे क्राउन वाइटी के जुबैर भाई है, विनय है, गोहिल है, और दो तीन मिडल ईस्ट के प्लेयर्स हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारी टीम मैंने बनाई है, तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलेंगे गाइज अभी हम लोग डायरेक्ट वॉर के अंदर। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 80 मिनट बचा है वॉर चालू होने में, एंड लास्ट के एक मिनट, लास्ट के 60 सेकंड में यहाँ पे एजाज भाई की पूरी टीम अटैक करेगी और हमारी भी पूरी टीम अटैक करेगी दोनों के ऊपर, और जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो भी सिकंदर, क्योंकि दोनों टीम अपनी ही है। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर में चालू होने वाले कुछ अटैक्स, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाज वाला बेल आइकन भी दबा देना। चलो भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारी टीम। देखो गाकू है हमारे पास, एमएस गाकू, यूटा 14, क्लाउज, स्टार्ट्रा, गोहिल, रविंदर साहू, अमन है, जुआन है, पीयूष है, वेदांत है, क्रिश बिश्नोई है, नंबर 12 पे है यहाँ पे स्टार्स, नंबर 13 पे है एमएस एंड, नंबर 14 पे जो कि विनय हमारे क्राउन वाइटी का ही बंदा है, नंबर 15 पे है मोहम्मद, नंबर 16 पे एक नूब प्लेयर है, नूब यूट्यूबर है सुमित 007, नंबर 17 पे है जुबैर भाई, नंबर 18 पे हल्क, नंबर 19 पे प्रिंस असलम, और नंबर 20 पे शाबाज खान। तो ये हमारी कुछ टीम है, इसी टीम के साथ अभी हम लोग करने वाले अटैक। और एनिमी टीम में तैयब भाई खेल रहे हैं, एजाज भाई खेल रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। हम लोग जो अटैक करने वाले हैं गाइज, हम लोग अटैक करने वाले नंबर 13 के बेस के ऊपर, ये रहा रिशु का बेस, तो इस बेस के ऊपर अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग प्लान समझा देता हूँ करने क्या वाले हम लोग यहाँ पे, एंड लास्ट के एक मिनट में हम लोग चले जाएंगे अटैक करने के लिए। देखो भाई सब सिंपल प्लान है हमारा, क्या करेंगे सबसे पहले रॉयल चैंपियन को डालेंगे यहाँ पे, जिससे कि ईगल टेकडाउन करेगी रॉयल चैंपियन, बस रॉयल चैंपियन के साथ ईगल टेकडाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे फनल बना लेंगे विजर्ड के साथ, एक सेकंड कलर चेंज, विजर्ड के साथ फनल, यहाँ पे विजर्ड के साथ फनल, यहाँ पे एक वॉल ब्रेक, एक आइस गोलम अंदर घुसा के, किंग क्वीन दोनों अंदर, ये पूरा कंपार्टमेंट डाउन, ठीक है। यहाँ से हमारी आरसी टेकडाउन करेगी, बचेगा क्या ये वाला सेक्शन, तो यहाँ से बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन्स आएंगे, ड्रैगन राइडर्स आएंगे, बलून्स आएंगे, बुढ़ाओ आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे रेज डाल देंगे जहाँ पे भी जरूरत होगी, ब्लिम को डालेंगे डायरेक्ट टाउन हॉल पे, एंड ब्लिम के अंदर सारे बलून यूज करेंगे, यहाँ पे एक रेज, टाउन हॉल डाउन, फिर बचेगा क्या, सिर्फ ये बच जाता है, ये क्या नाम है इसका, इन्फिर्नो टावर, इन्फिर्नो टावर बचेगा, और ये वाला एक विजिट टावर बचेगा। तो तीन फ्रिज 6 बैट्स रहेंगे हमारे पास, मेरे हिसाब से हो जाएगा, प्लान समझ आए, सिंपल प्लान है, इसी प्लान के साथ हम लोग अटैक करने वाले। तो चलेंगे गाइज अभी डायरेक्ट वॉर के अंदर। ओके गाइज 1 मिनट 15 सेकंड बचे हैं, यहाँ पे एनिमी की साइड से अटैक चालू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करने वाले अभी हम लोग, अभी हम लोग करने वाले हैं अटैक हमारा नंबर 13 पे, हमारी साइड से सारे प्लेयर्स रेडी हैं। लेट्स होप कि यार कोई बंदा हमारी साइड से मिस ना कर दे अपना अटैक, नहीं तो भाई 20 vs 20 में एक बंदा भी मिस कर देता है तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। चलो भाई गो लिख देता हूँ। तो भाई साहब नंबर 1 पे लाइव, नीचे अटैक्स चालू हो चुके हैं। ओके तो अटैक्स तो चालू हो चुके हैं, गाकू ने अटैक चालू कर दिया अपना, क्लाउज ने भी चालू कर दिया, हम लोग भी कर देते फिर हमारा अटैक चालू, ठीक है। तो घुसते गाइस डायरेक्ट अटैक के लिए। तो भाई साहब जैसे कि हमारा प्लान था वैसे ही हम लोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको टेकडाउन करेंगे हम लोग एक बलून और एक आर्चर के साथ, उसके बाद डालेंगे हम लोग हमारी रॉयल चैंपियन यहाँ पे, यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे एक विजर्ड, चलो भाई यहाँ पे टेस्ला फार्म ना निकले, आई थिंक निकल जाता होता तो, इनवी की मतलब लिया तो था इनविजिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बारबेरियन किंग को डालेंगे यहाँ पे, सुपर वॉल ब्रेकर आएगा, आइस गोलम आएगा और क्वीन आएगी। ओके चलो भाई सही है, आरसी ने ठीक ठाक वैल्यू निकाल ली, अच्छी बात है। बलून एंड बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन, आई मीन ड्रैगन राइडर, यहाँ पे सारे के सारे बेबी इन्फिर्नोस, बुढ़ाओ, सारे के सारे बलून्स, ड्रैगन राइडर्स डाल देंगे, पीछे से मिनियंस। ओके चलो भाई सही जा रहा है, यहाँ पे एक रेज ब्लिम डाल देंगे,
ओके वेट करेंगे। एबिलिटी परफेक्ट, चलो भाई सही है। यहाँ पे डाल देंगे एक रेज स्पेल। अरे बाप रे, ये मल्टी निकलेगा क्या? निकलना तो चाहिए। कमॉन कमॉन, निकाल लो यार मल्टी, निकाल लो जल्दी से। क्या कर रहे हो, मल्टी निकाल लो। अरे यार पूरी आर्मी खत्म हो गई हमारी भाई साहब। कमॉन, काम करते हैं यहाँ से डायरेक्ट बैटिंग। यहाँ पे एक फ्रीज, थोड़ा जल्दी डाल दिया, डालने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पे वापस एक फ्रीज जाएगा, यहाँ पे एक फ्रीज जाएगा। आर्चर पीछे से क्लीन अप के लिए। भाई साहब सिर्फ बैट्स बचे यार, सिर्फ बैट्स ही बचे, बैट्स को छोड़ के कुछ बचा ही नहीं है। आई थिंक हम लोगों को बुढ़े की एबिलिटी थोड़ी जल्दी दे देनी चाहिए थी, पता है, जिससे कि ज़्यादातर ट्रुप्स हमारे जिंदा रह पाते। अभी क्या करें भाई साहब, डिफेंस बहुत सारे बच गए यहाँ पे और सिर्फ बैट्स ही बचे हमारे पास ट्रुप्स के नाम पे। तो ये आई थिंक 3 नहीं हो पाएगा। आरसीबी तो बची हुई है, आरसीबी तो बची है, तो आरसी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी यार यहाँ पे। खत्म है भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। ये तो हमारा 2-स्टार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखना पड़ेगा गाइस जीता कौन है, एजाज भाई या फिर हमारी टीम। तो ये तो हमारा हो गया 84%। ओके आते हैं वापस। एंड ओ भाई साहब, एजाज भाई की टीम ने 40 स्टार्स मार दिए, हमारी साइड से हो चुके 35। अमन अभी भी अटैक कर रहा है। जुबैर भाई ने मार दिया ट्रिपल। ओके स्टार्स अभी भी कर रहा है अटैक। नंबर 11 9, व्हाट भाई, दो बंदों ने अपने अटैक करा ही नहीं है। कृष विष्णु का अटैक हो रहा है। नंबर 5 पे भी नहीं करा, हद है गाइज, हद है भाई साहब। 3 बंदों ने अटैक नहीं करा यार। अरे भाई साहब 40 स्टार हो चुके हमारे, एनिमी हो चुके 44 स्टार्स। हमारा बेस डिफेंड कर चुका है। अरे भाई साहब भाई साहब, ये क्या हो गया गाइस, हमारी साइड से 3 बंदों ने अटैक करा ही नहीं है। मतलब 17 ही अटैक्स हुए हमारी साइड से। एनिमी की साइड से कितने अटैक्स हुए? एनिमी की साइड से 20 के 20 अटैक्स हो चुके हैं, हमारी साइड से 16 17 ही अटैक्स हो चुके हैं। स्टार्स का अटैक चल रहा है, देखेंगे जरा स्टार्स का अटैक। अरे भाई साहब स्टार्स, ये कौन सी आर्मी लेके आया? बार्बेरियन और आर्चर वाली आर्मी। ये तो मतलब कुछ अलग ही लेवल का अटैक है भाई। यहाँ पे क्या ये ट्रिपल आ पाएगा क्या? आर से एबिलिटी बची तो हुई है। अरे यार टाइम बहुत ही कम है। अरे यार गाइज ये तो टाइम फेल है यार, ये तो टाइम फेल है। ट्रिपल हो जाता भाई बार्बेरियन, 60 बार्बेरियन लेके आया था। लो गाइज 17 अटैक में 40 स्टार, एनिमी के 20 अटैक में 44 स्टार्स, मतलब 3 अटैक्स में हमको 4 स्टार करने थे, हम लोग जीत जाते। तो गाइज ये है हमारी टीम का स्कोर यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे अटैक एमएस एंड ने किया है, ज़रा देखते भाई अटैक्स। ये तो सुपर बॉलर वाली आर्मी से अटैक करा गया है, हार गए कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेकंड टीम भी अपनी ही है। तो यहाँ पे ग्रैंड वार्डन के साथ फनल वनल बना लिया, चलो अच्छा है। यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय कर दिया, वापस सुपर वॉल ब्रेकर, नाइस। ये एक अच्छा तरीका है भाई साहब, ग्रैंड वार्डन के साथ क्या ये कंपार्टमेंट डाउन कराए क्या, देखना पड़ेगा। कमॉन कमॉन, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यार 3 अटैक में यार 4 स्टार यार आराम से हो सकते थे भाई। 3 अटैक मिस हो गए गाइस, मतलब 3 अटैक में 4 स्टार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, आराम से हो सकते हैं 3, मतलब 2 बंदे 1-1 स्टार अटैक भी करेंगे और 1 बंदा 2 स्टार अटैक करेगा तो भी जीत जाते, कोई ना। तो यहाँ पे सुपर बॉलर्स वगैरह फनल वनल बना के अच्छे से डिप्लॉय किया, 2 जंप स्पेल यूज करे, परफेक्ट। देखो यार ये तो मेरे को वही स्ट्रेटजी लग रही है जो हम लोगों ने किया था, 3 पेकाज हम लोग यूज़ करते थे और 3 ये यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे पेकाज यूज़ करे ही नहीं, ये मतलब ना करा तो है यार, जो सीसी का पेका है वो तो है यहाँ पे, और सीसी के अंदर हॉक्स यूज़ करे थे, सीज बैरा का पेका यूज़ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ला फार्म भी निकल गया। तो भाई साहब ये तो एकदम मतलब ईजिली 3 स्टार कर दिया भाई, एकदम ओपी आर्मी के साथ। तो ये तो कर लिया था हमारी साइड से पहला 3 स्टार अटैक। हमारी साइड से 3 स्टार अटैक्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अटैक 3 स्टार हुए, और एनिमी की साइड से कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5 अटैक 3 स्टार हुए, हमारी साइड से 7 अटैक 3 स्टार हुए, फिर भी हार गए।
नंबर यहाँ पे गोहिल ने अटैक करा नंबर 3 के ऊपर। गोहिल का अटैक देखेंगे जरा गाइज, देखते भाई अलग अलग आर्मीज के साथ क्या क्या बंदों ने यूज करा है। तो गोहिल ने यहाँ पे बेबी इन्फर्नो ड्रैगन, ड्रैगन राइडर और बलून्स के साथ निकाला है 3 स्टार 6 फ्री स्पेल्स के साथ। एक बार 2x में देखेंगे इसको। बार्बेरियन किंग को लेके गया कोर के अंदर, मतलब ईगल कंपार्टमेंट में। सारे के सारे बेबी इन्फर्नोज आ गए, बलून्स डाल दिए, ड्रैगन राइडर्स डाल दिए, रेड स्पेल्स डाल दी 2। ओके, सीसी के ऊपर पॉइजन, ब्लिंप डाल दी पीछे से। बुड्ढे की एबिलिटी तो अर्ली यूज कर ली थी, वापस फ्रीज। ओके, वापस रेज डाल दिया टाउनल के पास, एंड टाउनल निकाल लिया। लास्ट कंपार्टमेंट बचा था, आरसी को डाल दिया यहाँ पे। स्केलेटन्स डाल दिए बहुत सारे, मतलब स्केलेटन स्पेल आ गए वहाँ, स्केलेटन स्पेल डाल दिया तो बहुत सारे स्केलेटन्स निकल गए वहाँ से। स्टिल 2 फ्री स्पेल्स अभी भी बची हुई है, एंड एकदम खत्म कर दिया भाई इस बेस को, एकदम इजी पीजी हो गया ये भी 3 स्टार 2 फ्रीज का स्वैग। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे देखेंगे यूटा ने अटैक करा, यूटा। ओके, यूटा ने क्या करा है यहाँ पे, क्वीन चार्ज ड्रैगन राइडर यूजिंग 1 हॉग राइडर। ओके, एक बार इसको भी 2x में देखेंगे। तो यूटा ने यहाँ पे टाउन हॉल के ऊपर से चार्ज किया है चालू, क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया, बलून, सारी की सारी हीलर्स डाल दी, वापिस वॉल ब्रेक डाल दिया, नाइस वॉल ब्रेक अगेन। तो क्वीन के साथ यहाँ पे टेक डाउन, अरे एक हॉग का एकदम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लिया, पॉइजन डाल दिया। आई थिंक किंग जाएगा ईगल कंपार्टमेंट में, क्वीन तो टाउनल कंपार्टमेंट में जाएगी। अरे रे 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 रे, इनविजिबिलिटी थोड़ी गलत गिर गई, हिलर्स की हेल्थ कम हो गई यहाँ पे। परफेक्ट जगह पे ये डाल दिया, क्या नाम है इसका, हेड हंटर। बार्बेरियन किंग तो निकाल लेगा भाई ईगल कंपार्टमेंट, टोर्नेडो ट्रिगर हो गया, क्या बात है। आरसी को भी डाल दिया बैकअप के लिए, बलून्स डाल के सारे ड्रैगन राइडर्स डाल दिए, स्टोन फ्लेमर डाल दिया, वापस इनवी डाल दी बिल्कुल सही जगह पे, वापस रेज डाल दी। अरे भाई साहब क्या बात है गाइस, क्या क्वीन चार्ज किया भाई, मजा आ गया क्वीन चार्ज देख के। हिलर्स टारगेट हो गई भाई सेंटर में जाने के बाद, लेकिन क्वीन चार्ज एक अलग ही लेवल का था। क्वीन के पास लास्ट तक एबिलिटी, आरसी के पास लास्ट तक एबिलिटी, स्टोन स्लैमर तो फटा तक नहीं है भाई साहब। ये हो गया भाई एकदम पावरफुल अटैक, मजा आ गया ये अटैक देख के, व्हाट अटैक गाइस, मजा आ गया। ओके, अभी देखेंगे और किस किस ने 3 स्टार करा है। ओके, गाकू ने करा है यहाँ पे 3 स्टार अटैक, लेट्स सी। सो गाकू ने यहाँ पे ये वाली आर्मी यूज करी, लेजेंडरी चाइनीज आर्मी, एजाज भाई के ऊपर अटैक करा है। गाकू वर्सेस एजाज हो गया ये तो। ओके, बुढ़ाओ के साथ अर्ली रेज और अर्ली बुढ़ाओ के साथ वॉक, जिससे कि जल्दी जल्दी चीजें टेक डाउन कर सके। चलो अच्छा है, बुढ़ाओ के साथ ये टेक डाउन कर लिया। स्कैटर शॉट, टेस्ला फार्म निकल गया भाई साहब, एक बड़ा वाला गोलम, पिकाज आ गए, सुपरविजर्स आ गए, किंग और ये विचेस बाहर, अरे यार अंदर आ गए ये भी। स्टोन स्लैमर डाल दिया, आरसी को भी डाल दिया। स्टोन स्लैमर की पोजीशन देख रहे हो गाइस, अरे बाप रे बाप, अरे यार ओपी यार। टाउनल फ्रीज कर दिया, स्टोन स्लैमर बोल रहा हूँ यार, ये लॉग लॉन्चर ने क्या ही रास्ता बना दिया भाई। किंग को डाला किधर था, किंग गया किधर, जरा देखो तो, किंग को जाना किधर चाहिए था और किंग गया किधर, उसके बावजूद अटैक ट्रिपल हो गया। ये आर्मी का ही कमाल है भाई, गलती लेवल की आर्मी है। तो ये तो एकदम इजी पीजी 3 स्टार हो गया, एक जंप और फ्रीज अभी भी बचा हुआ है। 3 स्पेल का यहाँ पे स्वैग ही कर दिया गाकू ने। तो ये हो गया गाइस 3 स्टार यहाँ पे। नंबर 7 पे अटैक करा था स्टार्ड्रा ने, जरा देखते ये वाला अटैक, सुपर बॉलर के साथ अटैक, वाओ। देखेंगे भाई साहब कैसे करा है, यहाँ पे लॉग लॉन्चर यूज करा है। ओके, यहाँ पे 3-3 एक्सपोज ग्राउंड, एकदम 2x में देखेंगे, ब्लिंप डाल दी। ओके, रेज डाल दी, क्या वैल्यू मिल पाएगी क्या यहाँ से, मिल तो, अरे बाप रे अच्छी खासी वैल्यू मिल गई गाइस। पॉइजन डाल दिया यहाँ पे, क्वीन को डाल दिया वापिस, नाइस। चलो भाई यूनिकॉर्न है क्वीन के ऊपर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वीन को, और लेकिन यार हेल्थ तो फिर भी ठीक ठाक कम करी थी यहाँ पे। यहाँ पे बुढ़ाओ के साथ वॉक, यार ये कुछ अलग ही लेवल का अटैक हुआ ना,
ये बूढ़ों के साथ वो क्वीन को इधर डाला इन्होंने, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ क्वीन के साथ टाउन हॉल निकालने की कोशिश हो रही है क्या गाइस? अरे बाप रे, इन भी डाल दी बूढ़ों के साथ, तो ईगल टेक डाउन करने की कोशिश और टेक डाउन हो भी जाएगा। ओ भाई साहब, सिर्फ क्वीन के साथ टाउन हॉल निकाल लिया, क्वीन को इस्तेमाल कर लिया टाउन हॉल को टेक डाउन करने के लिए, सारे के सारे बोलस डाल दिए यहाँ से। ऐसे टाइप के भाई रिस्की, खतरनाक अटैक तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाते हैं भाई। फिर भी ट्रिपल हो गया, आइस गोलम डाल के सारे बोलस डाल दिए, किंग को डाला ही नहीं है, एक हेड हंटर डाल दिया, जंप डाल दी बिल्कुल सही जगह पे। ओके किंग को यहाँ पे डाला है, सही जगह पे डाला है किंग को वैसे देखा जाए तो। हेड हंटर ने तो एकदम ओपी काम किया भाई, वापस रेड स्पेल डाल दिया, बूढ़ों की एबिलिटी दे ही नहीं रहा भाई स्टार्ट रहा। आरसी को भी डाल दिया, दे दी फाइनली बूढ़ों की एबिलिटी, सिंगल है यहाँ पे, बस आरसी को पकड़ना ले अभी तक। ओके पकड़ लिया, फ्रीज डाल दिया। अरे यार ये तो हर कंपार्टमेंट के हिसाब से प्लान करके एकदम इजी पीजी ट्रिपल निकाल दिया गाइस। इस प्लानिंग का लेवल देख रहे हो, मजा आ गया। मेरे को तो ये सबसे प्यारा अटैक लगा इस वॉर का। आप लोग यार कमेंट करके बताना कि आपको सबसे तगड़ा अटैक किसका लगा, मेरे को तो यही वाला सबसे तगड़ा अटैक लगा। फ्रीज स्वैग कर दिया, किंग की एबिलिटी तक बची हुई थी, क्या अटैक था गाइस, क्या ही अटैक था। कमेंट करके बताओ किसका अटैक सबसे तगड़ा लगा। नंबर 8 पे रविंदर साहू ने करा था अटैक, ये वाला अटैक देखेंगे। यहाँ पे भी सुपर बोलस यूज कर रहे थे, एक बार इसको 2x में देखते हैं। तो ग्रैंड वार्डन के साथ वॉक चालू किया यहाँ पे 3 o'clock पे। ओके दो बड़े वाले कंपार्टमेंट से मल्टी इन्फर्नो वाले, आर्मी डिप्लॉयमेंट किधर से करी गई है ये देखना पड़ेगा हमको। ओके क्वीन को इधर डाल दिया, यहाँ पे किंग विचेस और SB सारे के सारे ट्रुप्स यहाँ पे जंप करके जा रहे कोर के अंदर। अरे बिल्कुल कोर के अंदर चले गए यार, पॉइजन डाल दिया यहाँ पे, बूढ़ों की एबिलिटी भी दे दी एंड एक और जंप यूज़ करा ही नहीं है गाइस। ये थोड़ा रिस्की टाइप का अटैक हो गया, टाउन हॉल के ऊपर ट्रुप्स गए नहीं है। अगर टाउन हॉल यहाँ पे गलती से एक्टिवेट हो जाता, बॉलर का एक दो हिट लग जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी यहाँ पे। लेकिन यार एकदम इजी पीजी निकल गया ये भी 3-star। आर्मी देखो भाई साहब कितनी सारी आर्मी बची हुई है, क्वीन ने निकाल लिया भाई टाउन हॉल, अच्छी बात है भाई। टाउन के पॉइजन के अंदर एटलीस्ट कोई है तो नहीं, और क्वीन ने ईगल को भी निकाल लिया, इमॉर्टल है भाई इसकी क्वीन। एक ही ट्रुप पूरे कोर के अंदर है वो है क्वीन, और अच्छी खासी टाउन हॉल निकाल लिया, ईगल निकाल लिया। आर्मी देख लो भाई साहब कितनी सारी आर्मी अभी भी बची हुई है। तो ये हो गया रविंदर साहू का 3-star अटैक इस बेस के ऊपर। ओके तो अभी देखते हैं और किसने 3-star अटैक करा है, और अटैक करा है यहाँ पे नंबर 17 पे जुबैर भाई ने। जुबैर भाई का अटैक देखते हैं। यार ये तो क्या ही बेस था गाइस, ये तो हाइब्रिड के साथ एकदम इजी चीज ट्रिपल निकाल लिया भाई। इस पे तो इलेक्ट्रो ड्रैगन या मैस हॉक भी हो सकता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिड तो कर दिया। देखेंगे एक बार इसको 2x स्पीड में। ओके भाई साहब डायरेक्ट क्वीन रेज सब डाल दिया, बलून बहुत सारा हेवी डैमेज है यहाँ पे। क्वीन को बचाना, बचा तो लिया है, वापस इन भी डाल दी, ऊपर की साइड पे SB डाल दिया, वापस इन भी डालनी पड़ी भाई साहब। क्वीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हेवी डैमेज हो गया यहाँ पे, तो सारी सारे हाइब्रिड आर्मी आ गई। एक बार टाउन हॉल CC और ये दोनों के दोनों स्कैटर निकल गए टाउन हॉल के पास वाले। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बेस के अंदर, नॉर्मल डिफेंस ईगल को छोड़ के, बाकी सब नॉर्मली मतलब मैनेजेबल है सब। सबसे मेन था ये वाला कंपार्टमेंट जहाँ पे टाउन हॉल, दो दो स्कैटर, CC PC सब रखा हुआ था। अभी देखो किंग क्वीन RC तीनों के पास एबिलिटी है, 4x में देखेंगे। ये हो गया गाइस एकदम इजीली 3-star अटैक। तो भाई साहब ये हुए थे टोटल हमारे 7 अटैक 3-star, 3 अटैक्स हमारे साइड से हुए नहीं। मजा आ गया भाई साहब ये वाली वॉर खेल के। एंड आप लोग कमेंट करके तो आपका फेवरेट अटैक कौन सा था। बस यार आज के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बाजू वाला बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।